Hello, मैं हूँ उज़ैर। Hello, मैं हूँ रूजा ली। And welcome to a brand new episode of Google में है trending। उरूज, इस हफ्ते मैं आपसे नहीं पूछने वाला कि इस हफ्ते किसने ट्रेंड किया होगा। इस हफ्ते सबको पता है कि एंटरटेनमेंट में कौन छाया हुआ था। ना कि सिर्फ ये पर्सनालिटी मगर इनसे जुड़े बहुत सारे इवेंट्स इस हफ्ते गूगल पे छाए रहे। तो आई गेस नो प्राइस फॉर गेसिंग कि वो पर्सनालिटी है मिनल खान। तो उरूज, ऑफ कोर्स उनकी शादी से रिलेटेड तो चीजें सर्च की ही गई हैं, लेकिन उसके अलावा क्या सर्च किया जा सकता है? इंस्टा, ट्विटर, जहाँ भी हम देख रहे थे उनकी शादी हो रही थी। एंड लोगों के एक इवेंट होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, मिनल के 6 इवेंट्स हुए हैं। मुझे याद है इनकी बहन के भी ढेर सारे इवेंट्स हुए थे। आप अपनी शादी पे कितने इवेंट्स करेंगी? पता नहीं, डिपेंड करता है, लेकिन इतने तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मिनल का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो खैर, सबसे पहली चीज जो इस हफ्ते मिनल के बारे में सबसे ज्यादा सर्च की गई है वो है ऑफ कोर्स मिनल खान वेडिंग। तो सबसे पहले एसएन और मिनल की हुई बात पक्की के बाद हुई एंगेजमेंट के बाद एमन ने मिनल के लिए होस्ट किया एक ब्राइडल शावर के बाद इन लोगों की हुई एक बहुत ही लैविश ढोलकी। एंड ढोलकी के बाद भी फिर माइयों हुआ। एंड माइयों के बाद फिर सितंबर 10th को इनकी शादी हुई। एंड इंटरेस्टिंगली, शादी के 2 दिन बाद इन्होंने अपना वलीमा होस्ट किया। 7 सो टोटल 7। एंड इन 7 से भी पहले इन लोगों ने प्राइवेटली आपस में सुनने में आता है कि इन्होंने अपनी एंगेजमेंट की थी, जो कि इन्होंने एक रोमांटिक डेट पे ऐसे ने मिनल को एक रिंग पहनाई थी, जो मिनल ने अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था। पर दोबारा से क्यों? आई मीन, जब एक दफा पहन नहीं गई है अंगूठी तो पहन नहीं गई। आई थिंक बड़े लोग बड़ी बातें, यू नो, साउंड्स ट्रू है। तो मिनल की शादी पे मिनल बहुत अच्छी लग रही थी, और ना सिर्फ मिनल की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग एमन, एंड स्टार ऑफ द इवेंट वाज अमल। एंड दिस अमल लुक्ड वेरी क्यूट, एंड उसकी कुछ वीडियोस थी उन्होंने जिसमें वो डांस कर रही है, जिसमें वो अपने कपड़े फ्लॉन्ट कर रही है। आई थिंक शी लुक्ड एब्सोल्युटली। मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था कि 55 लोगों ने मिलके वो मिनल का लहंगा बनाया था। वेल, आपको पता है मिनल के लहंगे की प्राइस क्या थी? क्या थी? गेस करो। हैला, नहीं होगा, मैं इसे मुझे बता दें आप कितनी थी। स्टिल कोई फिगर जिसके हम क्लोज आ सकें? बाबा, मुझे इशारा कर रहे हैं जेवी के 5 करोड़। नहीं, 5 करोड़ डी, एमन का ड्रेस था 6.5 लाख्स का। मिनल का ड्रेस वो 6.5 लाख्स, आई थिंक सो, फेयर एनाफ। उसके अलावा कुछ वीडियो थी जो मुझे बहुत पसंद आई। सबसे ज़्यादा वीडियो मुझे जो पसंद आई वो थी अमल के डांस। अमल के डांस के बाद मिनल की जब दूध पिलाई की रस्म हुई थी एसन के साथ, एमन जो कर रही थी, तो उसमें बहुत मजा आया, बिकॉज एसन के फादर को यू नो वो कह रहे थे कि कैसे बिजनेसमैन है आप, डील करें सही एंड ऑल दैट। एंड देन मुनीब ने बताया कि मैंने 1 लाख दिया था, एंड उस टाइम डॉलर का रेट कुछ और था, तो अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। एंड लेकिन एसन ने 1 नहीं 2 नहीं 3 लफाफे दिए एमन को, और एमन इतनी खुश हुई कि उन्होंने हग किया एंड अपनी खुशी का इजहार किया। उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो वायरल हुई है, जिसमें एक गेस्ट आई और उन्होंने एमन को ब्राइड समझ लिया। वो बहुत क्यूट और फनी था। एमन ने बहुत स्वीटली फिर उनको बताया कि मैं ब्राइड नहीं हूँ, ब्राइड कोई और है। आप उधर मुबारक दें जाके। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा कोई वीडियो थी जो आपको बहुत पसंद आई हो? मुझे सभी अच्छी थी, बस वेरी स्वीट और बहुत क्यूट था, वो भी अच्छा था जब वो आ रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली यू नो, लोगों की ब्राइड्स की एंट्री होती है बहुत ही ट्रेडिशनल और इमोशनल गानों पे, मगर मिनल की एंट्री हुई एल्विस प्रेस्ले के गाने पे। मुझे अच्छा लगा ये बात कि रुक्सिती भी उतनी सेंटी नहीं थी, वाज ऑल हैप्पी एंड हैप्पी, एवरीवन वाज हैप्पी। एंड एसएन की एंट्री हुई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के गाने पे, तो आई थिंक सो एक अच्छा बैलेंस आउट हो गया, यू नो, मसाला एंड लाइक इंटेंस। तो इसके अलावा गेस्ट लिस्ट में कौन-कौन था? अब ढेर सारे लोग थे, मैंने काफ़ी देखा। किंजा हाशमी को मैंने देखा, मैंने सबूर को देखा, और वो अली अंसारी को देखा, फहद शेख भी थे, बहुत सारे और भी लोग होंगे ऑब्वियसली। आमना इलियास थी, शगुफ्ता एजाज थी, उरूसा सिद्दीकी थी, और इसके अलावा उनके अपने फ्रेंड्स सारा यू नो वो थी, एंड मुनीब, बट ऑफ कोर्स फैमिली, यू नो, एवरीवन वाज देयर। एक और चीज़ जो मुझे बहुत क्यूट लगी वो ये थी कि बिकॉज मिनल के फादर नहीं थे, तो मुनीब ने वो निकाह वाली रस्म में एक वो जो होता है ना, एक फादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ही फुलफिल दैट एंड दैट लुक्ड वेरी नाइस। तो मो पावर टू द फैमिली। इसके अलावा मिनल के बारे में जो इस हफ्ते की गई सबसे ज्यादा गूगल चीज है वो है मिनल खान एज। एज क्यों सबकी लोग करते हैं? पता नहीं एज से क्या ऑब्सेशन है हमारी कंट्री में, लेकिन मिनल की एज इज सरप्राइजिंगली
22 years old. She's 22 years old. Oh, so young or so successful, mashallah. Well, she'll turn 23 in November. So, but abhi she's 22 and she started off when she was just 11. 11? Yeah, she started off as an actor in the age of 11. Usse pehle unhone 8 se 9 saal ki age mein dono ne commercial kiya tha, jisme dono ne half half shooting ki thi. Eamon aur Vinal ne ek hi commercial ko dono ne half half shoot kiya tha. So that's interesting. Lekin wo bandi ek hi thi. Bandi ek. Arey wah, ye sahi hai. Yeah. Itna fayda ho na. Bahut fayda. Dono ne paise bhi 50-50 kar liye. Paise. Aaj main school gayi hu, kal tum chali jao. उसके बाद मिनल खान हस्बैंड ये तो सबको पता ही है. सो मिनल खान हस्बैंड ऑफ कोर्स यार इट्स एहसन मोहसिन इकराम. जी हाँ, ये एक ही इंसान है. एंड एहसन के बारे में लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है कि वो एक्टर हैं, मॉडल हैं, बिजनेसमैन हैं, कौन है. मुझे भी नहीं पता था इससे पहले, जब तक उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई थी ना, मुझे नहीं पता था वो कौन है. खैर, एहसन डेब्यूटेड विद रमशा खान एंड बिलाल अब्बास खान इन अ फीचर फिल्म. कौन सी फिल्म थी वो? थोड़ा जीले करके एक नाम की फिल्म आई थी 2017 में, जिसमें एहसन वॉज इन अ पिवटल रोल. उसके बाद उन्होंने टेलीविजन पे कुछ प्रोजेक्ट्स किए. सरप्राइजिंगली जो मिनल का फर्स्ट लीड कैरेक्टर था वो एहसन के ऑपोजिट ही था. क्या था वो? मैंने नहीं देखा कभी भी एहसन. अभी भी नहीं देखा, पता है. मैंने उनको शादी की वीडियोस में देखा है. वेल डेफिनेटली उनको जो पॉपुलैरिटी इस रिलेशनशिप के बाद मिली है वो उनके प्रोफेशनल पॉपुलैरिटी से ज्यादा बढ़ा थी. सो ही जस्ट स्टार्टेड ऑफ, यू नो, उन्होंने प्यार के सदके में एक पिवटल रोल किया. उसके अलावा उन्होंने परछाई ड्रामा में मिनल के ऑपोजिट लीड कैरेक्टर प्ले किया था. तो यू नो, उन्होंने कुछ टेलीविजन पर भी काम किया हुआ, फिल्म पर भी किया हुआ. एंड आई एम श्योर अब शादी के बाद मे बी वो फुल टाइम एक्टिंग को परस्यू करेंगे. इस सब के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं घर जाके गूगल करूंगी एहसन मोहसिन's एज. एहसन मोहसिन's एज इज 29. नहीं, ही इज 29 एंड मिनल और उनका अराउंड 6 टू 7 इयर्स का डिफरेंस है. ये वैसे मैंने वैसे ही कहा था, लेकिन चलिए, गुड. सुरुज, ये तो थे एंटरटेनमेंट के इस हफ्ते की सबसे ज्यादा गूगल सेलिब्रिटीज एंड इवेंट्स. लाइफस्टाइल या स्पोर्ट्स में इस हफ्ते कौन है? हाँ, इस बार हर जगह बात हो रही थी, हम सब ने वीडियोस भी देखे. तो आज मैं एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बात करूंगी, तो उनके बारे में क्या गूगल हो रहा है और वो कौन है. कौन है? और वो है रमीज राजा. वो रमीज राजा को हमने बहुत ज्यादा कमेंट्री करते हुए सुना है, लेकिन अब वो आ गए हैं हमारे पीसीबी चेयरमैन. तो अब हम देखते हैं कि रमीज राजा के बारे में आप लोगों ने क्या सर्च किया, क्या आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही थी रमीज राजा के बारे में जानने के लिए. तो पहली चीज है क्या है? एज. सबकी एज जरूर लोग गूगल करते हैं भाई. तो क्या गेस आप इस पे? तो मैं पूछूंगी ना कि कितनी एज हो सकती है रमीज राजा की. मुझे लगता है he's 55 से 60 के बीच में. आई थिंक यस, ही इज राइट देयर. वाह भाई, मैं तो बड़ी, मुझे नहीं पता था कि रमीज राजा 59 इयर्स के हैं. वो 14 अगस्त 1962 को पैदा हुए थे. ये गूगल एज बताती है, मुझे नहीं पता वो इससे बड़े इससे छोटे हैं, क्या सीन है. तो मैं बहुत हैरान हुई थी, मुझे लगता था कि ही इज इन 45 इस तरह से. मैं इस बात से हैरान हूँ कि उनकी एज लोगों ने गूगल की है, ना कि उनका गुस्सा. ज्यादा मशहूर है उसके लिए. अभी मैं आगे और भी चीजें बताऊंगी. और क्या गूगल और रमीज राजा के बारे में? रमीज राजा वाइफ. वाकई पता है, ये जब मैंने देखा, मैंने भी सोचा कि मैंने कभी भी रमीज राजा की बेगम को नहीं देखा है. और फिर मैंने बहुत ज़्यादा गूगल किया. तो फिर मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने उनकी एक पिक्चर डाली हुई थी अपने साथ, तो वह हैं अमरीन रमीज राजा. वो पिक्चर आप देख सकते हैं. बाकी अच्छी चीज़ गूगल हुई थी, मुझे भी नहीं पता थी. और क्या है? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये थी इंटरेस्टिंग चीज़. जो मेन चीज़ थी तो मुझे पता ही, क्योंकि मैंने स्टिकर किया है. तो वो है रमीज राजा चेयरमैन. रमीज राजा चेयरमैन अभी बने, पीसीबी के 36 चेयरमैन बने हैं वो. और आते ही साथ उन्होंने कह दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ना, मैं जो हूँ ना, इधर आया हूँ तो कुछ करके आया हूँ, और मैं आपके सजेशन सर आंखों पर, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म नहीं लूंगा. सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह. अच्छा, उन्होंने कह दिया ये? जी बिल्कुल, डायरेक्ट हो गए हैं वो. तो बस अब आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उनको मशवरे जरूर दे सकते हैं, मुफ्त किस्म के जो मशवरे होते हैं ना वो भी. लेकिन ओपिनियंस लोगों के क्या आए हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या सोशल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री से ओपिनियंस क्या आए हैं? उन्होंने काफी कुछ कहा है कि मैं चेंजेस भी करूंगा, और उन्होंने कहा है कि मैं इंस्टाग्राम के लाइव सेशंस पे ना बहुत ज्यादा एंगेज करूंगा लोगों के साथ, और इसी तरह कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक वो थोड़ा सा डिफरेंट
तरीके से लेके चलेंगे। अब रमीज राजा ने मीडिया को भी कह दिया, फिर हम देख रहे थे कि एक थ्रोबैक वीडियो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि रमीज राजा की जो है ना मोहम्मद यूसुफ से लड़ाई हो गई थी। रमीज राजा ने कह दिया कि ना मोहम्मद यूसुफ को कि दाढ़ी रख के सच बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, और फिर उन लोगों की अनबन होगी और बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। देखिए जी, पहले तो दाढ़ी रख के झूठ बोलना लोग बंद कर दें तो बहुत, आप जैसे बेशरम आदमी से यही बात सुन सकते हैं हम और कोई नहीं। तो इस सब से तो मुझे पता चला कि रमीज राजा थोड़े से गुस्से वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गुस्सा करने में और थोड़ा सा पर्सनल जाने में फर्क है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए था उन्हें, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है, ऐसी भी बात नहीं है। तो लेकिन अगर आप लोगों ने रमीज राजा को कोई भी मशवरा देना है तो आप जाएं उनके इंस्टा पे रमीज राजा स्पीक्स पे जाके बताएं कि क्या आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या चेंज किया जाए। और आपको पता है रमीज राजा ने आज साथ ही ढेर सारे चेंजेस कर दिए, ढेर सारे तभी नहीं किए लेकिन मेन चेंजेस ये कर दिए कि उन्होंने हमारे दो नए कोचेज अपॉइंट किए हैं। ओके, एंड क्या लोग सब सेटिस्फाइड हैं उनसे? कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं खुश हैं, कहते हैं कि बाबर आजम नहीं खुश हैं, मोहम्मद यूसुफ के साथ भी उनका फड्डा हो गया था। ऑब्वियसली अब वो ये ना कि दो ग्रुप्स बन गए, कुछ लोग खुश होंगे कुछ नहीं होंगे, और आप पूछेंगे नहीं कि वो दो कोच कौन से हैं, इतनी मुश्किल से मेरे नाम याद किए। कौन है? एक है मैथ्यू हेडन और एक है वर्नन फ्लैंडर। वो मोर पावर टू देम। एंड लेकिन मुझे जब रमीज राजा का ज्यादा पता लगा था उनके काम के से हट के, वो तब था जब लास्ट ईयर उनको शुएब मलिक ने एक्चुअली में एक थोड़ा सा स्कूल किया था। उन्होंने कहा था कि ये अपनी स्टेटमेंट्स को थोड़ा ग्रेसफुली कंडक्ट किया करें, तो आई थिंक सो अभी भी शायद कुछ इश्यूज हों लेकिन आई होप के वो रिजॉल्व हो जाए। और अल्लाह ताला प्लीज हमारी जो क्रिकेट टीम है वो अच्छी हो जाए और हम जीत जाए। अल्लाह अल्लाह प्लीज। बट हम बहुत होपफुल हैं एंड हम चाहते हैं कि रमीज आएँ और वो छा जाएँ और वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें करें हमारे क्रिकेट बोर्ड के लिए एंड पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए। गुड लक रमीज राजा। और इसी के साथ हम लेंगे इजाज़त, अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। आप हमें बताना मत भूलिएगा कि आप किन सेलिब्रिटीज और किन इवेंट्स को चाहते हैं कि हम आपको उनकी दें कैंडिड डिटेल्स। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।